नमस्कार दोस्तों, जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। मेक श्योर बहुत सारे लोग इसे रोबोट ही कहेंगे। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स की टेक्नोलॉजी हर दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करती रहती है। आमतौर पे मैंने कई सारे रोबोटिक रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट में रोबोट को खाना सर्व करते हुए देखा है, बट मैंने कई सारे जब इस पे ऑथेंटिक आर्टिकल्स को देखा, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस और NDTV, तो पता चला यह रोबोट तो है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार यह रोबोट जैसी दिखने वाली चीज है क्या। जब से यह वीडियो जो कि रोबोट के स्टाइल में खाना परोसते कस्टमर से रोबोटिक अंदाज में ट्रीट करते नजर आ रहे हैं, तो हर कोई व्यक्ति इसे रोबोट समझ बैठा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि यह एक रोबोट नहीं बल्कि एक महिला है, जो इस वीडियो में महिला एक रोबोट बनने की नाटक कर रही है। हालांकि फूड सर्विस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स को यूज़ किया जा रहा है। कई सारे रेस्टोरेंट एंड कैफे में रोबोट का यूज़ खाना बनाने, वॉशिंग और खाना सर्व करने में इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वेट्रेस और सर्विंग स्टाफ की जॉब प्रोफाइल भी ख़त्म होती जा रही है। वापस हम अपने उस टॉपिक ह्यूमनॉइड रोबोट जैसी दिखने वाली महिला पर आते हैं, जो कि एक चौंकिंग हॉटपॉट रेस्टोरेंट की ओनर हैं और एक प्रोफेशनल डांसर भी हैं, और एक रोबोट की चाल ढाल और ओवरऑल एक रोबोट की तरह हर एक्टिविटी की कला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसने अपने वॉइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह प्रशिक्षित भी किया है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सके। थैंक यू।